Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today is Sunday, our weekly MCQ revision day, in which we will cover last week important MCQ question in a precise manner. So let's start our revision session. Our first question is, which city tops Forbes India list of world most servile city? कौन सा सिटी टॉप किया है फोर्ब्स के इंडिया के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट सर्विल सिटी के रैंकिंग में? आपका ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। तो दिल्ली है उसने टॉप किया है फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट में मोस्ट सर्विल सिटी के लिए वर्ल्ड का। यहाँ पे 1826.6 सीसीटीवी कैमरा है पर स्क्वायर माइल पे। दिल्ली के बाद आपका लंदन है जहाँ पे 1138 और चेन्नई में 609.9 सीसीटीवी कैमरा है पर स्क्वायर माइल पे, जो कि सेकंड और थर्ड स्पॉट को रेस्पेक्टिवली होल्ड करते हैं। जो मुंबई है महाराष्ट्र का, उसका पोजिशन 18 है, वहां पे 157.4 कैमरा है पर स्क्वायर माइल के एरिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच स्टेट और यूटी डिक्लेयर स्नो लेपर्ड ब्लैक नेक क्रेन एज द स्टेट एनिमल एंड बर्ड? किस स्टेट या यूटी ने डिक्लेयर किया है जो स्नो लेपर्ड है और ब्लैक नेक क्रेन है उसका स्टेट एनिमल और बर्ड है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। जो गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो स्नो लेपर्ड है पैंथेरा यूनकिया वो उसके स्टेट एनिमल है और ब्लैक नेक क्रेन ग्रीस निग्रोकोलिस वो स्टेट बर्ड है। इसके पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थे जम्मू एंड कश्मीर का, उन्होंने ब्लैक नेक क्रेन और कश्मीरी स्टेक हैंगकुल को स्टेट का बर्ड और एनिमल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्टेट बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गिव फ्री वाटर अप टू 16,000 लीटर टू इट्स पीपल? कौन सा स्टेट बन गया पहला इंडियन स्टेट जो कि देगा फ्री वाटर अप टू 16,000 लीटर तक का अपने पीपल को? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोवा। तो चीफ मिनिस्टर है गोवा के प्रमोद सावंत, उन्होंने लॉन्च किया है सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम को, जिसके अंतर्गत जो स्टेट हाउस होल्ड है उनको नहीं चार्ज किया जाएगा वाटर कंजम्पशन के लिए अप टू 16,000 लीटर तक का। इस मूव से गोवा जो है वो पहला इंडियन स्टेट बन गया जो कि सप्लाई कर रहा है वाटर को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सिटीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु वॉन दी सीआईआई एनर्जी लीडर अवार्ड 2021? किसने जीता है सीआईआई एनर्जी लीडर अवार्ड 2021 का? आपका ऑप्शन है रमा गुंडम, ऑप्शन बी सैयद उस्मान अजहर मक्सी, ऑप्शन सी कौशिक बासु, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रमा गुंडम। जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के रमा गुंडम है तेलंगाना के, उन्होंने जीता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई एनर्जी लीडर अवार्ड 2021 का 22nd नेशनल अवार्ड सेरेमनी के दौरान एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट 2021 का, जिसको होस्ट किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंडियन नेवी साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ होम फॉर इंडियाज फर्स्ट इंडाइजिनसली डेवलप्ड एनएडीएस? इंडियन नेवी ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट को किनके साथ इंडिया के पहले इंडाइजिनसली डेवलप्ड एनएडीएस के लिए? आपका ऑप्शन है भेल, ऑप्शन बी एचएल, ऑप्शन सी बीएल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बीएल। जो इंडियन नेवी है उन्होंने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल के साथ, ताकि वो मैन्युफैक्चर करे और सप्लाई करे इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम एनएडीएस को, दोनों ही हार्ड किल एंड सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी के साथ। ये जो नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम है इसको डेवलप किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा और मैन्युफैक्चर किया जाएगा बीईएल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच आईआईटी लॉन्च ई सोर्स एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म टू ट्रैक ई वेस्ट? किस आईआईटी ने लॉन्च किया ई सोर्स को जो कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ट्रैक करने के लिए ई वेस्ट को? तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ई सोर्स जो है उसको लॉन्च किया गया किस पर्पज से। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रैक करेगा ई वेस्ट को। आपका ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। जो ई सोर्स है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रैक करेगा रिकवर करेगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ई वेस्ट को बेटा लेवल ऑफ टेस्टिंग के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा। ये जो इनिशिएटिव है इसको प्रमोट किया जा रहा है इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी इन आईआईटी मद्रास में। ऑब्जेक्टिविटी इसका क्या है, ये ट्रेस करेगा ई वेस्ट को फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से, फैसिलिटेट करेगा प्रॉपर मेजर्स लेने में रिसाइकिलिंग के लिए, ताकि जो हैजार्डस ई वेस्ट है वो वापस से सर्कुलर इकोनॉमी में आए, जो कि मदद करेगा रिच करने में $50 बिलियन के इकोनॉमी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, हु इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू बिकम एन ऑनररी मेंबर ऑफ आईएयू? कौन पहले और इकलौते इंडियन है जो कि ऑनररी मेंबर बने हैं आईएयू के? आपके ऑप्शन है देवरा मेलोई एलमेग्रीम, ऑप्शन बी दोर्जे एंगचुक, ऑप्शन सी जीसी अनुपमा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दोर्जे एंगचुक। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन आईएयू है उन्होंने इंडक्ट किया है इंडिया के दोर्जे एंगचुक को इसके एक ऑनररी मेंबर के तौर पे। इनके साथ 10 अदर इंडक्टी भी है, लेकिन ये पहले और एकलौते इंडियन है जिनको की ऑनररी मेंबर बनाया गया है आईएयू का।
Next question number 8. RBI plan to set up 5 member committee on NUE license. Is what headed by whom? RBI ने प्लान किया कि वो सेटअप करेंगे 5 मेंबर का कमिटी को NUE लाइसेंस के लिए. इसको हेड किया गया किनके द्वारा? आपका ऑप्शन है पी वसुदेवन, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी सतीश अग्निहोत्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पी वसुदेवन. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने प्लान किया कि वो सेटअप करेंगे 5 मेंबर कमिटी को जिसको हेड किया जाएगा पी वसुदेवन के द्वारा, जो कि चीफ जनरल मैनेजर भी है आरबीआई के, ताकि वो एग्जामिन कर सके एप्लीकेशन को और दे सके रिकमेंडेशन को न्यू अम्ब्रेला इंटाइटिस एनयूई लाइसेंस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट ऑफ इस काइंड WHO हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री. पहला इस काइंड का WHO हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस को इनॉग्रेट किया गया किस कंट्री में? आपका ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी यूएस, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपने हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के अंतर्गत सेट किया पहला हब इस काइंड का WHO हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस को, जिसको कि इनॉग्रेट किया गया जर्मन के चांसलर एंजेलिना मार्केल के द्वारा और WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहनम गेब्रियस के द्वारा बर्लिन जर्मनी में. तो कहां पर सेटअप किया गया? बर्लिन जर्मनी में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. काजिंट 21 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. जो काजिंट 21 है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच में? आपका ऑप्शन है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी इसराइल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका नाम ही बता दे रहा है किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कजाकिस्तान. इंडियन आर्मी ने भाग लिया काजिन 21 में, जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में. ये आपका ऐसा बेबी विलेज में हुआ है कजाकिस्तान के. तो कहां पे हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है. कजाकिस्तान में जो 90 सोल्जर है इंडियन आर्मी के उन्होंने भाग लिया है 5th एडिशन में काजिन के, जो कि एक एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. रिसेंटली सोलुंग फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट बिगिन. अभी हाल ही में जो सोलुंग फेस्टिवल था किस स्टेट का ये स्टार्ट हुआ है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश. जो पॉपुलर फेस्टिवल है आदि ट्राइब का अरुणाचल प्रदेश का, उसका नाम सोलंग है, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है. ये सेलिब्रेशन कंटिन्यू 5 दिन तक चलता है. ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि परफॉर्म किया जाता है सोइंग ऑफ सीड एंड ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, ताकि अच्छा क्रॉप्स हो. पीपल परफॉर्म करते हैं बहुत सारे रिचुअल्स को, प्रेजेंट करते हैं गिफ्ट को, मीट एंड अपंग राइस बियर को एक दूसरे को, और रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली और सोशल रिलेशनशिप को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मिशन वत्सल्य फॉर वुमेन. किस स्टेट के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिशन वत्सल्य को वुमेन के लिए? आपका ऑप्शन है केरला, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र. जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, उन्होंने लॉन्च किया मिशन वत्सल्य को. इसका ऑब्जेक्टिव है कि यह सर्व करे अराउंड 18 बेनिफिट स्कीम को, सर्विसेज को वुमेन को, जो कि लॉस्ट किए हैं अपने हस्बैंड को कोविड-19 के दौरान. इनमें से कुछ स्कीम जिसको कि कवर किया गया इस मिशन के अंतर्गत वो कुछ इस प्रकार है. संजय गांधी निराधार योजना, घरकुल योजना, स्वावलंबन सेवा स्टेट पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम एंड सो ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. विच स्टेट सीएम लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट EILP पोर्टल फॉर ओवरस्टीयर. किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट पोर्टल को ओवरस्टीयर के लिए? आपका ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर. जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के एन बीरेन सिंह, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट ILP व EILP प्लेटफॉर्म को इम्फाल, जिरीबम और माओ रीजन के लिए. इसको डेवलप किया गया है क्यूबेटन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ताकि ये मॉनिटर कर सके एंट्री एग्जिट को और ट्रैक कर सके विजिटर को जब वो स्टेट के अंडर मणिपुर इनर लाइनर परमिट रूल 2019 के अनुसार, जो कि इमीडिएट इफेक्ट में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. HSBC एशिया अपॉइंट हुम एज नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. HSBC एशिया ने अपॉइंट किया है किनको नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे? आपका ऑप्शन है मिनी आईपे, ऑप्शन बी कमलेश कुमार पंत, ऑप्शन सी रजनीश कुमार, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रजनीश कुमार. जो फॉर्मर चेयरमैन भी है इंडियन के लार्जेस्ट स्टेट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रह चुके हैं रजनीश कुमार, उनको अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC एशिया के लिए. उनको अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी और रिस्क कमिटी ऑफ HSBC एशिया के पोस्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. हु बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन आंस अवार्ड. कौन बन गए पहले इंडियन जिसने जीता है आंस अवार्ड को? आपका ऑप्शन है डॉक्टर साइरस पूनावाला, ऑप्शन बी बसंत कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी आनंद राधाकृष्णन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बसंत कुमार मिश्रा.
जो ओडिशा बोर्न न्यूरो सर्जन है बसंत कुमार मिश्रा, उनको दिया गया है इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड न्यूरो सर्जरी के लिए अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन आंस के द्वारा। बसंत कुमार जो है वो पहले इंडियन है जिनको कि दिया गया है ये प्रेस्टिजियस आंस अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री ज्वाइंट एट फर्स्ट बेस्ट न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स एनडीबी, कौन सा कंट्री है जिन्होंने ज्वाइन किया है पहले बैच के तौर पर न्यू मेंबर्स के तौर पर ब्रिक्स एनडीबी के लिए। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है यूरुग्वे, ऑप्शन बी यूनाइटेड अरब एमिरेट, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल दी अबव। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी है जिसको कि हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के भी नाम से जानते हैं, जिसको सेटअप किया गया था ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा, इसने एडमिट किया है यूरुग्वे यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई बांग्लादेश को पहले बैच के तौर पर न्यू मेंबर्स का एनडीबी का। तो कौन कौन सा कंट्री है, यूरुग्वे यूएई बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु फॉर्मली स्टेटेड दैट टॉक्सिक लीडेड पेट्रोल वाज इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, किसने फॉर्मली कहा है कि जो टॉक्सिक लीडेड पेट्रोल है इसको इरेडिकेट कर दिया गया है वर्ल्ड से। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन है यूएनईपी, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी सीपीसीबी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूएनईपी। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एनवायरमेंट यूएनईपी है, उन्होंने फॉर्मली कहा है कि जो टॉक्सिक लीडेड पेट्रोल है इसको इरेडिकेट कर दिया गया वर्ल्ड से। इसको अचीव किया गया है कैंपेन के बाद जिसको लॉन्च किया गया था यूएनईपी के द्वारा मिलकर पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल के द्वारा, ताकि इरेडिकेट किया जा सके टॉक्सिक लीडेड पेट्रोल को। इसको कब किया गया था, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एमआईबी कंस्टिट्यूट कमिटी टू रिव्यू गाइडलाइंस ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम, इट वाज हेडेड बाय हुम। जो एमआईबी है उन्होंने कंस्टिट्यूट किया एक कमिटी को रिव्यू करने के लिए गाइडलाइंस को जर्नलिस्ट के वेलफेयर स्कीम का। इसको हेड किया गया किनके द्वारा, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक कुमार टंडन, ऑप्शन बी अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन सी लोकनाथम मुरुगन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अशोक कुमार टंडन। जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने कंस्टिट्यूट किया है 11 मेंबर का कमिटी को, ताकि वो रिव्यू कर सके एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस को जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम के लिए। ये जो मेंबर है प्रसार भारती बोर्ड के अशोक कुमार टंडन, वो इसके चेयरपर्सन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया एंड विच कंट्री साइन एग्रीमेंट टू डेवलप प्रोटोटाइप ऑफ ALUAV, इंडिया और किस कंट्री ने साइन किया एग्रीमेंट को कि वो डेवलप करेंगे प्रोटोटाइप को ALUAV के लिए। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी यूएस, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूएस। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया है कि उन्होंने साइन किया एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ जुलाई 2021 में, ताकि वो को डेवलप कर सके एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियर व्हीकल ALUAV को ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम के द्वारा डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हंसा न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली मेड इट मेडन फ्लाइट, इट वाज डेवलप्ड बाय हुम। जो हंसा है यह न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसने सक्सेसफुली अपना मेडन फ्लाइट किया है, इसको डेवलप किया गया किनके द्वारा। आपका ऑप्शन है DRDO, ऑप्शन बी CSIRNAL, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी CSIRNAL। जो हंसा है जो कि एक न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसने सक्सेसफुली अपना मेडन फ्लाइट किया है और सारे फ्लाइट पैरामीटर्स को नॉर्मली पास किया है। इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है CSIRNAL, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु कर्नाटका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ACC नेम्ड हुम एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SECI, जो ACC है उसने किनको न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है SECI का। आपका ऑप्शन है सुमन शर्मा, ऑप्शन बी जतिन नाथ स्वैलिन, ऑप्शन सी नुपुर चतुर्वेदी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुमन शर्मा। जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है ACC, उन्होंने अपॉइंट किया है सुमन शर्मा को मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ये सक्सीड कर रही है जतिन नाथ स्वैन को जो कि करेंटली सर्व कर रहे हैं चेयरमैन और MD के पोस्ट में कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉन द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड, किसने जीता है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड। आपका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी पावर ग्रिड, ऑप्शन सी पीप्रो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पावर ग्रिड। द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है पावर ग्रिड, जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसने जीता है प्रेस्टिजियस ग्लोबल एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड और ये इकलौता PSU है जिसने जीता इस अवार्ड को। पावर ग्रिड ने सिक्योर किया है 8th रैंक को अमंग 71 ऑर्गेनाइजेशन में से अक्रॉस द ग्लोब पे और ये वन ऑफ द टू कंपनीज है इंडिया का जो कि टॉप 20 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु लॉन्च आयुष आपके द्वार कैंपेन एज आयुष मिनिस्ट्री, किसने लॉन्च किया है आयुष आपके द्वार कैंपेन को आयुष मिनिस्ट्री में। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर मुंजापरा महेंद्र भाई, ऑप्शन डी नंदोबरेज।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर मुंजापरा महिंद्रा भाई। तो डॉक्टर मुंजापरा महिंद्रा भाई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, उन्होंने लॉन्च किया आयुष आपके द्वार कैंपेन को आयुष भवन के थे जाके डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके मेडिसिनल प्लांट को स्टाफ को। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन्होंने लॉन्च किया इस स्कीम को मोर देन 45 लोकेशन में 21 स्टेट के इंडिया के ताकि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके 2 लाख मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु साइन मऊ विद ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च टू बूस्ट एक्सपोर्ट। किसने साइन किया मऊ को ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के साथ ताकि बूस्ट किया जा सके एक्सपोर्ट को। आपका ऑप्शन है अपेडा, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सिडबी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अपेडा। जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है अपेडा, इसने साइन किया मऊ को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च IIMR के साथ ताकि इंक्रीज किया जा सके एक्सपोर्ट प्रोडक्शन को, इंक्रीज करके इसके क्वालिटी और प्रोसेसिंग को। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंक्रीज किया जाए एक्सपोर्ट प्रोडक्शन को नेसेसरी लिंक करके सप्लाई चेन टेक्निकल वेयर हाउस क्लिनिकल रिसर्च एंड अवेयरनेस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, न्यू स्पीसीज ऑफ गेको डिस्कवर इन विच स्टेट नेम हेमीफाइलोडेक्टाइलस गुआनेसिस। जो नया स्पीसीज है गेको का जिसको डिस्कवर किया गया स्टेट में जिसका नाम हेमीफाइलोडेक्टाइलस गुआनेसिस रखा गया। आपका ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जो साइंटिस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गोवा यूनिवर्सिटी के और ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन मुंबई के, इन्होंने डिस्कवर किया है न्यू स्पीसीज को स्लेंडर गेको का कैंपस में गोवा यूनिवर्सिटी के। इसको कॉमनली टर्म किया गया है गोवन स्लेंडर गेको। ये जो स्पीसीज है वो बिलोंग करता है हेमीफाइलोडेक्टाइलस जीनस से और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो गोवा के नाम पे ही रखा गया है हेमीफाइलोडेक्टाइलस गुआनेसिस। दैट्स ऑल फॉर वीकली करंट MCQ रिवीजन सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर अवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।